हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पाव बनाने। एकदम पूरी बेकरी जैसे बनाएंगे, जैसे दुकान पर मिलती है। तो चलिए आज बनाया जाए पाव। ये मैदा है, इस चम्मच बड़े वाले चम्मच से 10 चम्मच हम लिए हैं। इस तरह करके पूरा भर भर के पूरी 10 चम्मच लिए हैं। दस चम्मच हो गया आपकी। ये ड्राई ईस्ट है, देखिए ईस्ट है, ये आप पाउडर जैसे रहता है। 10 चम्मच में छोटी चम्मच से आधे से भी कम डालेंगे। ये देखिए थोड़ी सा और डालेंगे। ये पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी लीजिएगा, खड़ा चीनी मत लीजिएगा। 10 चम्मच में हम 1.5 चम्मच डालेंगे चीनी। पिसी हुई रिफाइंड लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे रिफाइंड, मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करिएगा, दानेदार ना रहे इसमें। ये मिक्स हो गया। ये हम दूध लिए हैं, दूध से सानेंगे। दूध नहीं रहेगा तो पानी से भी सान सकते हैं, दूध की जगह पानी ले सकते हैं आप। हम दूध डाल दें और ये गरम रखिएगा, ठंडा मत मिलाइएगा, नहीं तो ईस्ट नहीं फूलने देगा पाव को। थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा, गुनगुना रहेगा, ज़्यादा गरम भी नहीं। सॉफ्ट सानिएगा मैदा को। आटा जैसे गूंथते हैं रोटी के लिए, उससे भी सॉफ्ट चाहिए पाव के लिए। जैसे गूंथिए 10 मिनट गूंथते रहिएगा। तो हाथ में चिपकेगा तो थोड़ा सा रिफाइंड डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, छोटे चम्मच से थोड़ा सा डालिएगा, आधे चम्मच। फंस लेंगे इसको, जब सॉफ्ट हो जाएगा तो खुद ही चिकना हो जाएगा। हथेली से मसलिएगा। देखिए दोस्तों इस तरह हुआ है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया। इससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए हमको, थोड़ा सा दूध डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। इसको मिलाएंगे फिर से। ऐसे मसलते रहिएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा शुरू से लास्ट तक।
देखिए दोस्तों 10 मिनट तक हम गून दिए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गया है। ऐसे चेक करिएगा, ऐसे फैलाइएगा थोड़ा, इसमें जाल इस तरह आना चाहिए, थोड़ा पतला हो जाएगा तब समझ जाइएगा हो गया। ये देखिए फट नहीं रहा है, फटना नहीं चाहिए। देखिए ये 10 मिनट मेरा हो गया है, इसको रखेंगे फूलने के लिए। इसमें पहले से गोला करेंगे, हाथ में रिफाइंड लगा रहे हैं, चिपके नहीं। इसमें करके इसको काटेंगे, इसको भाग में बांटेंगे इस तरह। इस तरह से आसानी रहेगा आपकी। ये 10 चम्मच में मेरे पास 6 बन गया है, यहाँ पे 6 पाव बन गया है। ऐसे गोला करेंगे इस तरह की, सब कर लेंगे। ऐसे गोला सब करेंगे। इसमें रखेंगे, ये देखिए दोस्तों एल्युमिनियम के बर्तन लिए हैं हम, स्टील के नहीं लिए हैं। स्टील में आप रखेंगे, स्टील में पाव नीचे से जल जाएगा, इसलिए आप एल्युमिनियम के बर्तन लीजिएगा इस तरह के। या आपके पास गोल भी होगा इस तरह ले सकते हैं। हम ये दे रहे हैं चौड़े वाले, इसमें कोने पूरी प्लेट में रिफाइंड लगा देंगे, अच्छे से लगाइएगा। लगाकर इसको इसमें मैदा छिड़क दीजिए, चिपकेगा नहीं। मैदा छिड़क देंगे अच्छे से, इसको मिला दीजिएगा इस तरह से। जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा मैदा। देखिए मेरा निकल गया एक्स्ट्रा मैदा, निकल गया ये। अब इसको आप रखेंगे, फिर से कर देंगे इसको गोल। चिकना करिएगा पूरी, इस तरह की चिकना चाहिए। थोड़ा सा दबा दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दबाइएगा। फिर इसको सेट कर देंगे यहाँ पर। थोड़ा सा ऊपर रिफाइन लगा दीजिएगा, चिकना रहेगा, फूलेगा तो। लगा दे रहे हैं ये तो दोस्तों, देखिए पूरा हम गोल कर दिए हैं इस तरह की। दूर दूर रखिएगा, पास में रखेंगे तो चिपक जाएगा, दूर रखिएगा तो फूलने के लिए भी जगह इसको चाहिए। इस तरह की ये देखिए बना दिए हैं। अब इसको 2 घंटे फूलने के लिए रख देंगे, 2 घंटे रखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे फूल जाएगा तब पकाने के प्रोसेस करेंगे। इसको ढककर रखिएगा दोस्तों, ऐसे खुले मत रखिएगा। बड़े वाले बर्तन से या कोई थाली हो उसे ढक दीजिएगा, 2 घंटे के लिए रखिएगा। ये देखिए दोस्तों ये पाव फूल गया है इस तरह की, फूल को चिपक भी गया है जबकि हम दूर रखे थे। इसके ऊपर थोड़ा सा तिल डाल लेंगे, थोड़ा सा तिल डाल देंगे। इसको 2 घंटा रखे थे हम, फूल गया। इसको ओवन के अंदर हम डाल रखे थे, इसके अंदर ओवन के अंदर
ये देखिए 2 घंटे में फूल गया। अब इसको पका लेंगे। एक से 180 डिग्री पर रखेंगे हम 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के लिए रखेंगे। पच्चीस मिनट में पक जाएगा ये। देखिए हम रख दिए, बंद कर दें। 25 मिनट के बाद इसको फिर से चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों चेक कर ले रहे हैं कि पक गया है कि नहीं। एक बार इसको निकाल कर चेक कर लेंगे। देखिए बंद कर देंगे इसको। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन कलर आ गया है। मार्केट जैसे एकदम दिख रहा है पाव, पूरा पक गया ये। अब इस पर थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगा देंगे इस तरह, चम्मच से लगाइए या स्प्रे भी कर सकते हैं कि ऊपर का परत थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा इस तरह। कच्चा रिफाइन ही है। चम्मच से लगा रहे हैं। चारों तरफ फैला दीजिएगा। ये देखिए बन गया। तो आशा करती हूँ कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।